हमें भी पावर चाहिए। मैं नहीं दूंगा। तो क्या हम छीन के रहेंगे? तो इसी बात पे शुरू करते हैं भाई। पावर शेयरिंग क्या होता है? देखो भाई, पावर शेयरिंग का मतलब होता है पावर को बांटना। भाई पावर को बांट देंगे तो पावर तो कम हो जाएगी ना? नहीं यार, कम बिल्कुल नहीं होगी, बल्कि डेमोक्रेसी आएगी। अच्छा रुको, दो कंट्रीज की मदद से हम समझते हैं कि कैसे डेमोक्रेसी आएगी। ठीक है, पावर बांटने से कैसे बढ़ता है खुशी का जैसा, कैसे सब लोग खुश रहते हैं। चलो देखते हैं सबको। इस वर्ल्ड मैप को देखो और बताओ तो बेल्जियम और श्रीलंका कहाँ है? भाई श्रीलंका तो पता है, ये इंडिया के नीचे है। हाँ, हम बच्चन बनाते थे मैप में। बेल्जियम देखो यहाँ है, छोटा सा देश है, ये बेचारा यूरोप में है। जैसे श्रीलंका छोटा सा देश है ना एशिया में, उसी तरह ना बेल्जियम भी छोटा सा देश है यूरोप का। ये है बेल्जियम का मैप। ये तो ठीक है भाई, लेकिन इसमें अलग अलग तरह के कलर्स क्यों किए हुए हैं? ये कलर्स को देखकर हमें पता चलेगा कि बेल्जियम के अंदर कौन कौन सी भाषा बोली जाती है। इंडिया में बहुत सारी भाषा बोली जाती है भाई, उसी तरह बेल्जियम में बहुत सारा भाषा बोली जाती होगी। सही बात है भाई, बहुत सारी लैंग्वेज नहीं है, कुछ ही देखते हैं। देखो ये जो येल्लो कलर का हम लोग देख रहे हैं ना, ये है फ्लेमिश रीजन। यहाँ पर डच भाषा बोला जाता है, ठीक है, डक नहीं, डच भाषा बोला जाता है। लगभग 59% जो पॉपुलेशन है ना बेल्जियम में, वो क्या डच भाषा बोलती है, इसको याद रखना, एग्जाम में आ सकता है। ओ भाई, 59% पॉपुलेशन सबसे ज्यादा है। ओ अच्छा है, चलो। ये देखो ये है वेलोनिया रीजन, यहाँ पर ना 40% लोग रहते हैं और यहाँ पर लोग फ्रेंच बोलते हैं, मतलब कह सकते हैं 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। हाँ भाई समझ गया मैं, 59% लोग ना डच भाषा बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच भाषा बोलते हैं, लेकिन बाकी के 1% लोग कौन भाषा बोलते हैं भाई? ये वाला जगह को देखो, यहाँ पर 1% लोग रहते हैं जो कि जर्मन लैंग्वेज बोलते हैं। ओ अच्छा भाई मैं समझ गया, ये जो छोटा सा जगह दिख रहा है ना, ये है ब्रसल्स, यानी बेल्जियम का कैपिटल। ओ जिस तरह ये दिल्ली इंडिया कैपिटल, उसी तरह ब्रसल्स बेल्जियम का कैपिटल भाई। तो ये जो कैपिटल है ना ब्रसल्स, इसमें 80% लोग ना फ्रेंच बोलते हैं, ठीक है, और 20% लोग डच बोलते हैं। थोड़ा उल्टा हो गया यहाँ पर। क्या यहाँ कैपिटल में फ्रेंच बोलने वाले ज्यादा है, वो भी 80%? हाँ हाँ टेंशन मत लो, रुको जरा। क्या भाई अभी आप बोले कि टेंशन मत लो? देखिए बेल्जियम में टेंशन हो गई। क्या दिक्कत है भाई? देखो टेंशन कैसी है, बेल्जियम में सिर्फ 40% लोग फ्रेंच बोलते हैं। हाँ भाई, लेकिन वो 40% लोग ना बहुत अमीर और बहुत पावरफुल है। क्या फ्रेंच बोलने वाले कम है और अमीर भी है बेचारे डच बोलने वाले लोग? हाँ यार ये तो गलत बात है, हम 59% लोग डच बोलते हैं, तो इकोनॉमिक डेवलप हुआ है तो हमें भी फायदा मिलना चाहिए ना, हमें भी रिच और पावरफुल बनना है यार। ये सब तो ठीक है, लेकिन सबसे बड़ा टेंशन यह है कि हम लोग पूरे कंट्री में 59% है, लेकिन कैपिटल सिटी ब्रसल्स में सिर्फ हम लोग 20% है। बेचारे वो हम लोग भी। ओ कोई बात नहीं भाई, टेंशन मत लो, मेरा डायलॉग चिपका दिया तुमने। ये देखो ये श्रीलंका, ये एक आइलैंड कंट्री है। हाँ भाई, ये देखो ये येल्लो कलर का है ना, ये है सिन्हालस लैंग्वेज बोलने वाले लोग, मतलब यहाँ पे सिन्हालस लैंग्वेज बोला जाता है, और यहाँ पर ना 74% लोग ना सिन्हाला बोलते हैं, जैसे हमारा हिंदी भाषा वैसे वहाँ पर सिन्हाला भाषा है, मेजोरिटी में सिन्हालस बोलने वाले हैं भाई। हाँ देखो तमिल बोलने वाला ना 18% लोग है। ओ अच्छा भाई, देखो तमिल बोलने वाले भी ना दो ग्रुप में बटे हुए हैं, पहला है श्रीलंकन तमिल्स जो कि 13% है, दूसरा है इंडियन तमिल्स जो कि 5% है। चलो कोई नहीं भाई, क्या दिक्कत है, तमिल तो है ना। अब देखो सिन्हालस बोलने वाले जो 74% पॉपुलेशन है ना, उसमें से बहुत सारे लोग ना बुद्धिस्ट मानते हैं, बुद्धिस्ट हैं, ठीक है, और तमिल बोलने वाले बहुत सारे लोग हिंदू हैं या फिर मुस्लिम हैं। ओ बुद्ध है, हिंदू है, मुस्लिम भी हैं। देखो 7% जो क्रिश्चियन है ना, जो कि तमिल और सिन्हालस दोनों भाषा बोलते हैं। दिमाग तेज होगा भाई इनका, इसलिए दोनों भाषा बोल लेते हैं। कोई कंफ्यूजन मत रखो, 74% सिन्हालस बोलते हैं, 18% लोग तमिल बोलते हैं, 7% लोग क्रिश्चियन है जो कि दोनों भाषा बोलते हैं, सिन्हालस और तमिल, तो सबको जोड़ के कितना हो गया 99% पॉपुलेशन। हाँ भाई 1% लोग मस्त चिल होंगे जो दूसरी भाषा बोलते हैं, टेंशन मत लो भाई, हमें कोई कंफ्यूजन नहीं है। श्रीलंका को यह 1948 में आजादी मिली,
एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनाई गई, लेकिन हम जानते हैं कि सिन्हाला 74% है श्रीलंका में, तो ये लोग जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को भी ना अपना मेजोरिटी के दम पे कंट्रोल करने लगे हैं। ज्यादा मेजोरिटी में सिन्हाला वाले हैं तो गवर्नमेंट को भी झुका देगी। ए भाई वाह वाह वाह। ईयर 1956 में कुछ स्टेप्स लिए गए हैं, देखते हैं। जैसा कि हम जानते हैं श्रीलंका में सिन्हाला बोलने वाले 74% लोग हैं, तो इसी को मुद्दे नजर रखते हुए एक एक्ट पास किया गया है जिसमें सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया जाता है और तमिल वाले भाड़ में जाए। ये तो गलत बात है भाई, तमिल वाले भी तो 13% है ना। हम सिन्हाला ज्यादा है इसलिए फेवर मिलना चाहिए, इसलिए हम गवर्नमेंट जॉब और यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेते समय सिन्हाला को प्रिफरेंस दिया जाएगा, तमिल वाले फिर से बाढ़ में जाएं। जो माइनॉरिटीज हैं, जो कम लोग हैं जैसे तमिल, उन्हें प्रेफरेंस मिलना चाहिए, तो गलत है ना भैया। अरे यार तो मैं क्या करूं, मेजोरिटी में श्रीलंका पढ़ रहे हैं ना, देखो आगे। एक और, हमारे नए कॉन्स्टिट्यूशन में बुद्धिज्म को बढ़ावा दिया जाएगा क्योंकि सिन्हाला बौद्ध धर्म मानते हैं ना। अब मैं कुछ नहीं बोलूंगा, सिन्हाला 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 पक गया हूँ। ये तू सिन्हाला बोलने वाले, अपने आप को ज्यादा तेज मत समझो, हम बदला लेंगे। हम तमिल कवि को प्रेफरेंस नहीं मिला है, हमें प्रेफरेंस मिलना चाहिए, हमें अधिकार मिलना चाहिए। अरे जाना, नहीं मिला तो मैं क्या करूँ। अरे ऐसे चलता रहा तो कुछ दिन में ये लोग तमिल बोलने वाला को देश से निकाल देंगे यार। तो क्या करे भाई, एक पार्टी बनाते हैं सिर्फ तमिल वालों के लिए, जिसमें हम लोग सरकार से मांगेंगे कि तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, हमें भी जॉब्स के लिए प्रेफरेंस मिलनी चाहिए। हाँ भाई सही है। हमने बेल्जियम में देखा था कि 59% लोग डच लैंग्वेज बोलते हैं और 40% लोग फ्रेंच लैंग्वेज बोलते हैं, लेकिन भाई हमने देखा था कि फ्रेंच बोलने वाले अमीर हैं, तो क्या सारा पावर वही रख लिए, फ्रेंच वाला ही सारा पावर रख लिए भाई? थोड़ा सब रखो, बताएंगे। बेल्जियम के सभी लोग ना बहुत खुश हैं। ईयर 1917 से ईयर 1993 के बीच बेल्जियम में 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया, देखो इनको। हमने डच और फ्रेंच सभी लोगों का ध्यान रखते हुए हमने 4 बार अपना कॉन्स्टिट्यूशन बदला है। हम चाहते हैं कि हम सभी लोग प्यार मोहब्बत से रहे, इसीलिए हमने सभी लोगों को बराबर अपॉर्चुनिटीज दिए हैं, सभी को बराबर पावर दिए हैं। वाह यार मजा आ गया, ये सभी लोग प्यार से रहते हैं, श्रीलंका जैसा नहीं है। चाहे कोई भी हो, डच बोलने वाले हो या फ्रेंच बोलने वाले हो, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, सब खुश रहेंगे, क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट में यदि 50 मिनिस्टर डच बोलने वाले रहेंगे तो 50 मिनिस्टर फ्रेंच बोलने वाले रहेंगे, सभी को बराबर मौका दिया गया है। श्रीलंका में तो सिन्हाला को ही पावर मिल गया था सारा का सारा, बेचारे तमिल वाले चल गए भाड़ में, लेकिन बेल्जियम कितना मस्त है, सबको बराबर पावर दे रहा है, पावर शेयर हो रहा है। हम चाहते हैं कि सभी स्टेट्स के मिनिस्टर भी अच्छे से अपना स्टेट को चलाएं, इसलिए बहुत सारे पावर सेंट्रल गवर्नमेंट यानी ब्रसल्स से ना स्टेट्स को दे दी गई। ये भी अच्छा है भाई, बेल्जियम का कैपिटल है ब्रसल्स, तो वहाँ से कुछ पावर्स स्टेट को भी दे दिया गया है, अच्छी बात है। ब्रसल्स में भी सभी मिनिस्टर बराबर रहेंगे, आप तो खुश हो ना दोनों डच और फ्रेंच वाले। मजा आ गया यार। देखो एक चीज और, ये डच वाले ना अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए हैं और फ्रेंच वाले भी अपने एक कम्युनिटी गवर्नमेंट बनाए हैं। ये अपना अपना ग्रुप्स के लिए बनाए कि ग्रुप्स के अंदर यदि कोई प्रॉब्लम आएगा, जैसे फ्रेंच बोलने वाला को प्रॉब्लम आएगा तो अपना कम्युनिटी गवर्नमेंट पर जाएंगे, जैसे लैंग्वेज से लेके होगी आप, तो ये कम्युनिटी गवर्नमेंट सबको सॉल्व करेगी। अब बताओ पावर को शेयर करना अच्छी बात है कि नहीं है, बताओ तो। रुको भाई डांस करने दो पहले। मजा आ गया बेल्जियम में रहकर यार, देखो भाई पावर शेयर करना बहुत अच्छी बात है, मुझे पता चल गया। देखो हमने श्रीलंका में देखा था कि सिन्हाला सारे पावर ले गए थे, तो लड़ाई हो गई, तमिल वाले खुश बिल्कुल भी नहीं थे, लेकिन बेल्जियम में पावर शेयर किया गया तो सभी लोग बहुत खुश हैं, लड्डू बांट रहे हैं, लड़ाई भी नहीं हुआ। हाँ भाई पावर शेयर करने से सभी लोग खुशी से रहते हैं, प्यार से रहते हैं, मोहब्बत से रहते हैं, झगड़ा भी नहीं करते हैं।
एक समय था जब सारी पावर किसी एक आदमी के पास रहता था या फिर सारी पावर किसी एक ग्रुप के पास रहता था। हाँ भाई, राजा महाराजा के पास सारी पावर रहती थी, फिर श्रीलंका के सिन्हालेस ग्रुप के पास सारा पावर रहती है, लेकिन आज देखो बेल्जियम में सभी ग्रुप्स के लोगों को बराबर पावर दिया गया है। अच्छी बात है ना यार, पहले के लोग सोचते थे कि सारा पावर किसी एक आदमी के पास होनी चाहिए तो डिसीजन फास्ट होगी, लेकिन फास्ट डिसीजन तो कभी कभी गलत भी ना होती है दोस्त, इसलिए पावर शेयर होना बहुत जरूरी है, सभी लोगों को मिलकर सही डिसीजन लेना चाहिए। हाँ भाई सही हो तुम। देखो अभी दोनों देश को पीछे छोड़ देते हैं, अब आगे पढ़ते हैं। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट पढ़ते हैं, मतलब गवर्नमेंट में कौन कौन काम करते हैं। हाँ भाई बताओ। देखो पहला एग्जीक्यूटिव यानी पुलिस फौज एक्सेट्रा है, दूसरा है लेजिस्लेटिव यानी जो लोग कानून बनाते हैं ना, रूल्स एंड रेगुलेशन लॉज बनाते हैं ना, वे हो गए, और तीसरा है जुडिशरी मतलब हमारी जूरी यानी कोर्ट जो कि इन सबको कंट्रोल करती, देखती है कि अच्छे काम कर रहे कि नहीं कर रहे हैं। बहुत दिनों से कंफ्यूजन था भाई, पर यह चीज आज समझ आ गया। फर्स्ट फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, ठीक है, और ये पावर का तीनों ऑर्गन भी ना बराबर है, ठीक है। हाँ भाई मजा आ गया पढ़ने में तो, रुको अभी सब्सक्राइब करता हूँ, मेक मी टैलेंटेड। देखो इसी तरह तीन ऑर्गन में पावर बांटने से समझ आता है कि सभी आपस में बराबर है, सभी एक दूसरे में फॉर्म में अपना पावर शेयर करते हैं। हाँ भाई बताओ। देखो गवर्नमेंट भी 3 लेवल्स की होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट जो कि पूरी देश के लिए होती है, दूसरी स्टेट गवर्नमेंट जो कि स्टेट के लिए होती है, जैसे आप दिल्ली में होंगे, उत्तर प्रदेश में होंगे, राजस्थान में होंगे, मैं झारखंड में रहता हूँ, तो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट होती है यानी CM रूल करते हैं। फिर आती लोकल गवर्नमेंट, जैसे मुखिया वगैरह तो चुनते रहते, वही सब हो गया। ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट हमने देखे एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव और जुडिशरी, और फिर डिफरेंस लेवल ऑफ गवर्नमेंट हमने देखे सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट और लोकल गवर्नमेंट। मजा आ गया भाई पढ़ने में तो, अब जा रहे फुल नंबर उठाएंगे एग्जाम में, ठीक है बाय बाय। तो दोस्त यदि वीडियो अच्छी लगा हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और अगल बगल जो वीडियोस को देख लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।